तो अल्टरनेटिव एनर्जी में फर्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन पिछले साल 2022 में फाइनली कैलिफोर्निया में एक नेट एनर्जी गेन मिला एक फ्यूजन एक्सपेरिमेंट में विच वाज इग्निशन फॉर द फ्यूजन सो यहां पे क्या हुआ ना डेटेरियम ट्रिटियम लिया लेजर यूज करके पिन पॉइंटिंग करी विच लेड टू क्रिएशन ऑफ व्हिच लेड टू फॉर्म फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ये जो एनर्जी थी ये पॉजिटिव में थी एंड दिस इज दिसग्फिकेंट अचीवमेंट बिकॉज अगर लोग आयरन आयरन मैन मैन के फैन है है तो जो का कोर इट्स बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन और इट हैज बीन वन ऑफ द ड्रीम्स इन द साइफाई कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन कर पाएंगे सो so, उसको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा फ्यूजन क्या है फ्यूजन इज सिंपली कि जब आप दो एटम्स को यूज कर रहे हो ठीक है तो आप उनको फ्यूज कर रहे हो आप उनको ब्रेक नहीं कर रहे हो

बिकॉज इनफ फ्यूजन इट इज इग्निशन तो जैसे आप कार इग्निशन करते हो ना नाइट का अचीव नहीं होगा तब तक आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं सिमिलरली इन इग्निशन जब आप फ्यूजन में उसको अचीव कर लेते हो इट मीन्स दैट यू हैव क्रिएटेड इनफ एनर्जी जो कि मैग्नेटिक न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में एक

लाने के लिए हमने उसको लेजर के थ्रू उस लेजर को उस पर फोकस करा और हाइड्रोजन कंप्रेस हुआ विच जनरेट ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट ठीक है इनर्शिया मतलब क्या बोलते हैं उसको इनर्शिया गैस है वो देन यू आर जनरेटिंग न्यूट्रॉन अगेन नॉट नॉट एग्जैक्टली क्या बोलेंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड देन यू हैव एनर्जी राइट अब न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ लेते हैं आराम से न्यूक्लियर so, फ्यूजन है क्या दो लाइट अटोमिक न्यूक्लियर जब कंबाइन होते हैं टू फॉर्म एनर्जी अब एक स्टेट ऑफ मैटर में होता है इट कॉल्ड प्लाज्मा ठीक है प्लाज्मा क्या है सो इट इज लाइक हॉट फ्लूड इस फ्लूड में काफी सारे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे राइट right? विच

यू आर ब्रेकिंग एन एटम इन टू स्मॉलर पार्टिकल्स जो कि एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसने उस पूरे एटम को बाइंड करके रखा था देन यू नीड अ हाई स्पीड न्यूट्रॉन टू स्ट्राइक टू दैट एटम सो दैट वो ब्रेक हो एंड देन प्रोड्यूस अ हाई 235 का बॉम्बार्डमेंट ऑन द अदर हैंड फ्यूजन में यू आर टेकिंग टू स्मॉलर एटम्स यहाँ पे हम आइसोटोप्स ले रहे हैं थोड़ा सा अनस्टेबल हो गए एंड देन वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लार्ज एटम अलॉन्ग

वो इनफ था कि फ्यूजन तो हुआ ही हुआ साथ ही साथ नेट एनर्जी गेन हुआ फ्यूजन के लिए अगर हम बात करें सो जो नेसेसरी कंडीशन है या प्री रिक्वेस्ट कंडीशन है द फर्स्ट इज ऑफ मोर देन मिलियन डिग्री सेल्सियस हम यहाँ हंड्रेड सॉरी मिलियन डिग्री सेल्सियस पढ़ रहे इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल जिसको हम एंट्रोपी बोलते हैं या हम उसको एनर्जी के वैल्यूज में निकाल सकते हैं सेकेंड इज में हाई इनफ डेंसिटी फॉर अ लॉन्ग इनफ टाइम अगर आप उसको लॉन्ग इनफ टाइम रखोगे तभी तभी आपका फ्यूजन फ्यूजन कहलाएगा नहीं तो इट इज अक इन अ वाटर ठीक है न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें उस so, दो होते हैं एक इनशियल होता है एक मैग्नेटिक होता है इनर्शियल इज सिंपल इनर्शियल में आप एक लेजर को फोकस कर रहे हो एटम पे ताकि हाई टेम्परेचर सॉरी उस पर्टिकुलर एटम्स का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए और एनर्जी जनरेट हो जाए द सेकेंड फॉर्म इज मैग्नेटिक फ्यूजन मैग्नेटिक फ्यूजन में आप प्लाज्मा ले रहे हो ये जो प्लाज्मा है इस पे आप मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हाई प्रेशर क्रिएट कर रहे हो जो कि अलोंग अलोंग मतलब सॉरी नॉट जो कि अ रिजल्ट टेम्परेचर भी जनरेट करता है एंड एक फ्यूजन टेम्परेचर के उस लेवल उस प्लाज्मा को ले आता है वेयर द प्लाज्मा इज एबल टू क्रिएट अ चेन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन प्लाज्मा इट ठीक है सो हमें अब एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी मिल गया

ठीक है एडवांटेज ऑफ फ्यूजन क्या है आपके पास एबेंडेंट एनर्जी है जो फ्यूल्स आप यूज कर रहे हो आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन वाइडली अवेलेबल है यहाँ पे आपको हार्मफुल गैसे भी नहीं निकल रही है साथ ही साथ जो आपका वेस्ट निकल रहा है इधर इट इज और वेरी वेरी लेस रेडियो एक्टिव इन नेचर ठीक है कंपेयर टू फिशन चैलेंजेस क्या है अगेन आपको बहुत हाई टेम्परेचर पे उस पर्टिकुलर मैटर को या प्लाज्मा स्टेट को लाना पड़ेगा तो उसको लैब lab, लेबोरेटरी में क्रिएट uh, करना

they have been made in india ठीक है उसको फिर हमने import करा था sorry export करा था france को then we have china's artificial sun जो कि tokamak use कर रहा था tokamak is the apparatus where this particular fusion happens we have SST2 tokamak ye india ka personal ya india ka ek initiative hai experimental fusion reactor hai gujarat mein and then we have joint european torus ya jet project uh, ipr ki baat kare jo hamara ss

बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोले सो टोकामक इज द ऑपरेटर्स जहां पे आपका मैग्नेटिक फ्यूजन हो रहा है राइट अगेन टोकामक वाज अ अ अ पर्टिकुलर ऑपरेटर्स व्हिच यूजेस द मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन ठीक है यहां पे इनिशियल नहीं होता यहां पे मैग्नेटिक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है लार्ज स्केल पे होता है कार्बन फ्री सोर्स है और ऑलमोस्ट सिमिलर प्रिंसिपल्स पे चलता है जिसपे सन और स्टार्स में एनर्जी जनरेट होती है इसकी मैग इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हम यूज कर रहे हैं इट इज वेरी पावरफुल सो आपके पास जो प्लाज्मा है वो हाई टेम्परेचर के कारण सॉरी हाई हाई प्रेशर के कारण पे रहता है इट इज अ वेरी हॉट प्लाज्मा एंड इट कैन रीज अ टेम्परेचर ऑफ ओवर वन मिलियन डिग्री सेल्सियस टोका मक को आप यूज कर सकते हो स्टीम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्योंकि इवन इफ नेट गेन एनर्जी ना हो आप एटलीस्ट कुछ तो एनर्जी बना रहे हो विच यू कैन यूज इन स्टीम फॉर्मेट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेट बाय वे ऑफ टर्बाइन एंड जनरेटर्स ठीक है ठीक है सो so, ऊपर आपने आयरन मैन पढ़ लिया अब दूसरा हम पढ़ लेते हैं अनदर वन ऑफ द कॉमन न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो आपने मूवीज में देखे होंगे कि या कार्टून में गोल ऑफ़ न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसको हर कोई तोड़ देता है ठीक है उसकी इज्जत ही नहीं रहती है, सब में। ये होते है मेंबर ने बोला की बिकॉज हमारे यहाँ पे काफी सारे जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन है जियो पोलिटिकल रिस्ट्रिक्शन है कल्चरल इशूज है राइट ट्राइबल इशूज है तो इन के चलते वी कांट मेक लार्ज स्केल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स

पे नजर रखने के हिसाब से इसको फॉर्म करा था बट बाद में इसका जो मेन मोटो है 175 मेंबर्स है, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, है टू मैक्सिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एज वेल एज प्रमोट एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये पॉलिसी मेकिंग बॉडीज और ये एनपीटी को एन पी टी के अंदर ही एक इंस्पेक्टर है तो जो भी आप एनपीटी के अंदर फ्यूल्स को एक्सचेंज कर रहे हो आई ए एज द इंस्पेक्टोरेट जो की चेक करता है वेदर द ट्रांजेक्शन राइट और रॉन्ग एन पी टी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए द सिंपल आइडिया इज एन पी टी वॉज बॉर्ट आफ्टर नाइनटीन सेवनटीज इंडिया नाइनटीन सिक्सटी सेवन में अपना पहला एक्सपेरिमेंट करता है जिसको कोई मानने नहीं करता है चाइना नाइनटीन सिक्सटी थ्री में करता है 1970 में एनपीटी के अंदर इंक्लूड हो जाता है और एनपीटी जिस, में ही है जिनके पास न्यूक्लियर एनर्जी अवेलेबल है सो so ये आए, आए, आए का भी यही रोल है टू चेक की जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी में

सेविंग्स में काफी हो जाती है बिकॉज आपका कॉस्ट भी काफी रिड्यूस हो रहा है एज वेल एज कंस्ट्रक्शन टाइम भी रिड्यूस हो रहा है आई uh, IAI ने अभी एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे वो एस की ट्रेडिंग कर रहा है उसके एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रहा है ठीक है सो so, आई का का बस इतना ही अभी काम है जिसपे वो लगा हुआ है ये था एस एम आर टूल है नेक्स्ट टॉपिक हाइपर लूप सो इंडिया इंडियाज रेलवेज़ कोलेबरेटिंग विद आई आई टी मद्रास द डवलप डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस हाइपर लूप सिस्टम सो अक्रॉस द वर्ल्ड हाइपर लूप सिस्टम बहुत सारी कंपनी जो है प्रमोट कर रहे हैं इलॉन मस्क की भी एक कंपनी है जो हाइपर लूप को प्रमोट कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हाईपर लूप को जाना अभी हाइपर लूप के रिगार्डिंग कॉन्सेपचुअल अंडरस्टैंडिंग है प्रैक्टिकली अभी इसको फुल स्केल पर लॉन्च नहीं किया गया कि, कि, किसी भी प्लेस पर अराउंड द वर्ल्ड सो so, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम भी ले लेते हैं सो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी एक ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक रहेगा जिसके अंदर हम एक वैक्यूम ट्रेन के वैक्यूम ट्रेन क्रिएट करेंगे जिससे बहुत फास्ट और बहुत एफिशिएंट मूवमेंट हो सकता है सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ प्रिंसिपल का इसमें इस्तेमाल हो रहा है दैट इज मैग्नेटिक लेविटेशन तो लेविटेशन का क्या मतलब है कि हम लोग एक सपोज uh, एक कैप्सूल है उसको एक ट्यूब के अंदर जिस ट्यूब के अंदर हम वैक्यूम क्रिएट करके रखेंगे वैक्यूम क्रिएट किस लिए किया गया ताकि जो बहुत स्पीड में हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो एयर जो, जो, जो एयर का है वो ड्रैग लगता है जो कि एक तरीके से पुश करता है बैकवर्ड या उसकी जो स्पीड है उसको कम करता है सो तो ये जो एयर फ्रिक्शन है या जो इसकी वजह से एयर ड्रैग जो, जो क्रिएट हो रहा है उसको खत्म करना है कि उसको नील कर दें और वो कैसे होगा वैक्यूम क्रिएट करके उस ट्यूब के अंदर नेक्स्ट मैग्नेटिक लेविटेशन रहेगा मैग्नेटिक लेविटेशन मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके एक कंटेनर को या एक ऑब्जेक्ट को आप जो है हवा में सस्पेंड कर रहे हो राइट सो जैसा कि आप बुलेट ट्रेन वगैरह में देखा होगा मैग्नेटिक लेविटेशन के कॉन्सेप्ट ही वर्क करते हैं तो वही चीज़ यहाँ पे भी है सो so, दो चीज़ों को इसमें यूज़ किया गया वैक्यूम को और मैग्नेटिक लेविटेशन को ठीक है कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसके अंदर एक क्लोज चेंबर रहेगा और उस क्लोज चेम्बर के अंदर हम एक कैबिन uh, uh, बनाएंगे या जिसको कॉमनली इस टेक्नोलॉजी के अंदर बोला जाता है पॉड ठीक है पॉड वो व्हीकल होगा जिसके अंदर पैसेंजर्स बैठ सकते हैं या किसी फ्रेट को रखा जा सकता है और फिर ये जो पॉड है ये मूव करेगा विद द विद अ वेरी हाई स्पीड नेक्स्ट इट यूजेस इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन टू मूव द पॉड थ्रू द ट्यूब तो इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई से हम लोग उसको आगे मूव कराएंगे और लो प्रेशर ट्यूब जो है वो रिड्यूस करेगा एरोडाइनेमिक ड्रैग एंड मैग्नेटिकविटेशन टू कीप द पॉड होबरिंग अब द ट्रैक वेल द पॉड इज इन ट्रांजिट सो ये था पूरा हाइपर लूप का कॉन्सेप्टो so, याद रखना दो ही कॉन्सेप्ट इसमें काम आने वाला है पहला है वैक्यूम क्रिएशन टू रिड्यूस द एरोडाइनेमिक ड्रैग एंड नेक्स्ट इज मैग्नेटिकेविटेशन जो आपने बुलेट ट्रेन की कॉन्सेप्ट में पढ़ा है तो so, इससे कुछ और रिलेटेड थोड़ी सी न्यूज़ है जो इंडिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट हो रहा है उसमें सो आई आई टी मद्रास ने इसके लिए इन प्रपोज़ किया है कि वो एक इनक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे और वो जो इनक्यूबेशन सेंटर जो है इट वुल बी कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइपर लूप टेक्नोलॉजी सो उससे रिलेटेड हाइपर लूप से रिलेटेड जो जो भी टेक्नोलॉजी आएगी उसको बनाने का काम जो है यहाँ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर हाइपर लूप टेक्नोलॉजी में आई मद्रास में किया जाएगा सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज लिथियम आयन बैटरी सो रिसेंटली हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने एक कॉन्स्टिट्यूट किया है एक एक्सपर्ट पैनल टू प्रूव द रीसेंट सीरीज ऑफ बैटरी एक्सप्लोजन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब बात कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी यूज़ हो रही है उसमें इतनी ज़्यादा आग लग रही है तो उसके लिए एक एक्सपर्ट पैनल बनाया है ठीक है so सो यहाँ पे वो उनकी क्या डिटेल है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये इलेक्ट्रिक बैटरी जो है वो किस टाइप की होती है सो so, पहला और सबसे प्रोमिनेंट जो है इसमें है लिथियम आयन बैटरीज जो मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो यूज़ हो रही है साथ ही साथ हमारे जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है सो so वहाँ पे भी लिथियम आयन बैटरीज यूज़ हो रही है इनफैक्ट हमने जो रोवर वगैरह भेजे थे उनमें भी लिथियम आयन बैटरी था तो बहुत ही वाइड रेंज है इसका और बहुत ही रोबस्ट बैटरी है सो so, लिथियम आयन बैटरी इसके अगर हम ब्रॉडली कॉम्पोनेंस देखें तो यू विल फाइंड फोर कॉम्पोनेट्स एक है एनोड एनोड यहाँ यहाँ पे Uh, हम लोग एक एलिमेंट uh, को यूज करें दैट इज ग्रेफाइट और एनोड जो होता है वो बैटरी के अंदर नेगेटिवली चार्ज होता है फिर कैथोड के ऊपर एक लिथियम का हम लोग एक uh, एक स्ट्राइप स्ट्रिप strip जो है उसको यूज करें और कैथोड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है फिर ये एनोड और कैथोड जो है ये एक इलेक्ट्रोलाइट में डुबाए हुए होते हैं इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा एक सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट जो होते हैं वो होते हैं और सॉल्ट का मतलब आयंस होते हैं ठीक है और ये आयंस का मूवमेंट जो होता है वो एक तरीके से चार्ज को क्रिएट करता है और इसको सेपरेट किया जाता है बाय थिंग कॉल्ड सेपरेटर तो यहाँ पे पॉलीप्रोपाइलिन या पोलीथाइलिन जो है हम लोग यूज करते हैं सो so यहाँ पे फिगर देख सकते हो ज्यादा टेक्निकल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे एक डायग्राम में गलती है ये डायग्राम में यहाँ पे लोड होना चाहिए था ठीक है ये डायग्राम में यहाँ पे रेजिस्टेंस या कोई भी लोड है ठीक है लोड का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहा है कोई बल्ब भी बना सकते हो ठीक तो या charged, है याद रखना एनोड इज नेगेटिवली चार्ज यहाँ वो ग्रेफाइट है कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज जो कि लिथियम है और बाकी एक्वा सोल्यूशन है जो इनको कनेक्ट करेगा यहाँ पे तो द कॉम्पोनेट ऑफ अ लिथियम आयन बैटरी इससे ज़्यादा हमारे लिए टेक्निकल इंफॉर्मेशन काम के नहीं है अब आते हैं एडवांटेजेस क्या है तो पहला बहुत ही हाई स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी है यानी जो अमाउंट ऑफ चार्ज है ये बैटरी सप्लाई कर सकते हो वो काफी ज्यादा है कम्पेयर टू इस साइज नेक्स्ट हाई वोल्टेज है हाई एनर्जी डेंसिटी लोड सेल्फ डिस्चार्ज ठीक है खुद से डिस्चार्ज नहीं होगी आप इसको एक साल तक रख दो और फिर यूज करो तो वो भी आपको उसमें से कुछ ना कुछ चार्ज मिल जाएगा ठीक है अनलाइक सम अदर बैटरी जो अभी हम आगे पढ़ेंगे वहां पे सेल्फ डिस्चार्ज भी हो जाती है वो सो ये चीज यहाँ नहीं देखने को मिलती इश्यूज़ क्या हैं इसके साथ तो पहला है थर्मल रनवे तो थर्मल रनवे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाती हैं ये बैटरीज तो आपने कई बार देखा होगा आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है या आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो वो थोड़ा सा इशू है इस बैटरी के साथ थोड़ी तो सी स्टेबिलिटी इस कारण कम हो जाती है इसी कारण आपने देखा होगा या न्यूज़ में सुना होगा कि सैमसंग नोट जो था ब्लास्ट हो रहा था तो बैटरी जो थी बहुत ज़्यादा हीट हो जा रही थी और उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी थी उसकी डाउन हो जा रही थी नेक्स्ट लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लीथियम रॉ मटीरियल सो ये अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ही कम एरियाज़ हैं जहाँ पे रिजर्व है लीथियम के और उसकी वजह से जो लिथियम या जो ली आयन बैटरीज का जो कवरेज है वो थोड़ा सा सफ़र कर रहा है अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं लिथियम आयन बैटरीज के लिए क्योंकि देखो अभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो यूज़ हो ही रहा था लेकिन अब जब क्योंकि हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो डिमांड था ये लिथियम आयन बैटरीज़ का ये काफ़ी क्वांटम जो है इसका बढ़ चुका है तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं पहला है नेशनल मिशन ऑन ट्रांसपोर्टेव ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी सो एनकरेज करें डोमेस्टिक लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग एंड ईवी कंपोनेंट्स कॉम्पोनेन्ट्स कि इंडिया के अंदर ही ये जो बैटरीज है ये बने करेंटली हम लोग इन बैटरीज के लिए डिपेंडेंट है चाइना और हांगकॉन्ग के ऊपर सो so, वो एक तरीके से सप्लाई चेन का जो है वेपनाइजेशन कर सकता है चाइना और इंडिया को कंस्ट्रेन कर सकता है तो इसलिए हमारे खुद की सॉवरानिटी के लिए ठीक है नेशनल सिक्योरिटी के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट uh, कि हम लोग डोमेस्टिकली ये मैन्युफैक्चर करें लिथियम आइन बैटरीज सो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है इस डायरेक्शन में नेक्स्ट इसरो और भेल ने भी एक एग्रीमेंट किया है कि वो लो कॉस्ट बैटरीज बनाएंगे फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ इंडिया का पहला लिथियम सेल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हम लोगों ने बनाया है तिरुपति आंध्र अन, अन, प्रदेश के अंदर ठीक है so, तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो ये पता होना चाहिए और फिर लिथियम आयन लिथियम ट्राइंगल नेशंस तो so, ये तीन कंट्री का ग्रुपिंग है साउथ अमेरिका में विच इंक्लूड्स अर्जेंटीना बोलीविया चाइल्ड जहाँ पे काफ़ी हाई अमाउंट में हमें लीथियम के जो रिज़र्व्स हैं वो मिलते हैं और हमने देखा कि चाइना ने यहाँ पे काफ़ी लार्ज स्केल में जो लैंड है या जो माइन्स हैं इनको एक्वायर कर लिया है सो so, इंडिया भी एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन कंट्रीज़ के साथ डील कर रहा है ताकि जो लिथियम के रिज़र्व जो चाहिए इंडिया को अपने जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए वो मिल जाए ठीक है सो इंडिया इनके साथ भी काम करा अब आ जाए लिथियम के ऊपर सो लिथियम इज अ लाइटेस्ट सॉलिड मेटल अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो सबसे पहले आप पाओगे उसमें हाइड्रोजन फिर हीलियम और तीसरा लिथियम है सो इसलिए लाइटेस्ट सॉलिड मेटल है नेक्स्ट इट इज करेंटली प्रोड्यूस फ्रॉम हार्ड रॉक और ब्राइन माइंस सो ये थोड़ा सा देख लेना कि हार्ड रॉक से भी मिलता है और ब्राइन माइंड से भी मिलता है सो so, इसका जो एरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट है ठीक है सो ऑस्ट्रेलिया करेंटली इज द बिगेस्ट सप्लायर और उसके अंदर जो हार्ड रॉक्स है वहाँ उनकी उन माइनों से हमें ये लिथियम रिजर्व मिलते हैं वाइल इन द साउथ अमेरिकन कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना चाइल चाइना अब यहाँ पे हमें सॉल्ट लेक से ये मिलता है ठीक है तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है बेसिक सा ऑल uh, दो अभी इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा अमाउंट में लिथियम के रिजर्व नहीं है बट uh, रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि जम्मू कश्मीर में मिला है ठीक है सो so, अभी तक सिर्फ एक डेवलपमेंट यह है इससे ज्यादा हमें इसके बारे में कोई डिटेल नहीं पता तो अभी के लिए मान के चलेंगे कि इंडिया में नहीं है उतना रिजर्व ठीक है so, सो आगे चलते हैं थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं डिफरेंट टाइप की बैटरीज के बीच में सो so, पहला लेड एसिड बैटरीज है एंड सबसे मेच्योर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं बैटरीज के टर्म्स में बिकॉज काफ़ी समय से यूज हो रही हैं तो आपका इन्वर्टर जो है उसके अंदर लेड एसिड बैटरीज यूज हो रही हैं जो हमारे पावर स्टेशन होते हैं उनके अंदर लेड एसिड बैटरीज़ यूज़ हो रही है काफ़ी रोबस्ट टेक्नोलॉजी है क्योंकि तो इसे किसी भी एनवायरमेंट में चला जा सकता है लो कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर बैटरी टेक्नोलॉजी अब डिसएडवांटेज क्या है तो पहला बहुत हैवी होता है बल्कि भी होता है ठीक है आपने अगर कभी उठाने की कोशिश की होगी तो आपको पता लगेगा कि कितना भारी होता है एंड दे डू नॉट साइकिल विल ठीक है लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा खराब होने लग जाती है नेक्स्ट निकल कैडमियम बैटरीज़ हैं तो निकल कैडमियम बैटरीज इनका भी जो साइज़ है काफ़ी वेरिएबल है मतलब आप डिफरेंट साइज़ में इन्हें यू ले सकते हो और काफ़ी लंबे तक समय तक इनको स्टोर किया जा सकता है प्लस बहुत सारी चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल आपको इसके अंदर मिल जाती है लेकिन इसके एक एसोसिएटेड कंसर्न ये है कि ये काफ़ी सारे हैवी मेटल्स यूज़ कर रहा है जैसे निकल कैडमियम तो कैडमियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट uh, या एक बहुत ही डेंजरस हैवी मेटल बोल सकते हैं ठीक है सो so, कैडमियम से आपको पता ही है बीमारी भी हो सकती है इटाईटाई जो है सो so, काफ़ी बड़ा इन्वायमेंटल कंसर्न है कैडमियम का इस बैटरी में होना नेक्स्ट इट इज़ प्रोन टू मेमोरी इफेक्ट यानी बार बार जैसे 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 बैटरी चार्ज डिस्चार्ज होती है तो ये धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिकल स्टोरेज एरिया है उसको रिड्यूस करने लगता है और फिर हायर सेल्फ डिस्चार्ज रेट है यानी अगर इसको यूज़ नहीं कर रहे तो ये पड़े पड़े ही डिस्चार्ज होने लग जाती है सो दैट इज़ द इशू एसोसिएटेड विद इट नेक्स्ट इस निकल कैडमियम बैटरीज को ही थोड़ा इम्प्रूव किया गया और नई बैटरी रही निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज सो तो ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो रही है क्योंकि ये कैडमियम वाला जो इशू था कि ये डिजीज़ कॉज करता है और इन्वामेंट के लिए एक हज़ार्ड है उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया गया बाई हाइड्रेड्स लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो निकल है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जा रहा है और यहाँ पे जो सेल्फ डिस्चार्ज है वो भी रेट हाई है एज़ कम्पेयर टू द लिथियम आयन बैटरीज नेक्स्ट सॉलिड स्टेट बैटरीज मिल जा रही है यानी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई एक्व सोल्यूशन नहीं यूज़ हो रहा है और यहाँ पे हमें हाई एनर्जी डेंसिटी मिलती है अच्छा खासा चार्ज डिस्चार्ज जो करंट लिमिट्स है वो है और काफ़ी रोबस्ट है मतलब इवन इन हार्ड्स कंडीशन इट कैन सस्टेन बट चैलेंजेस है मैन्युफैक्चरिंग और फंडामेंटल टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग को लेके तो थोड़ी हाई एंड टेक्नोजी इसमें इस्तेमाल हो रही है जो कि अभी सब जगह एक्सेसिबल नहीं है ठीक है नेक्स्ट मेटल एयर बैटरीज है सो दीज आर हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरीज एनर्जी हायर है और इसमें केवल एनोड रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है बाकी ये बैटरी काफी रोबस्ट है कोई नया इसमें कंपोनेंट लगाने की जरूरत नहीं अपार्ट फ्रॉम द एनोड रिप्लेसमेंट लेकिन इसमें एक इशू ये है कि दीज बैटरीज आर नॉट रिचार्जेबल ओके सो so एक बार यूज कर सकते हो बार बार यूज नहीं हो सकती है. तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से मेटल एयर बैटरी जो है यूज नहीं हो रही है सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ बैटरीज दैट करंटली वी आर यूजिंग और क्या उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज बैटरी काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है पिछले कुछ समय से ठीक है सो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं तो इन सबके बीच में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए सो आई होप अभी जो बताया उससे क्लियर हो गया होगा काफ़ी कुछ इसके अलावा एक और टाइप की बैटरी है विच इज़ कॉल्ड द एडवांस सिल्क केमिस्ट्री बैटरी ए सो अभी नीति आयोग ने और हमारे जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने इनफैक्ट पी स्कीम निकाली है इसके लिए सो so, पी आप जानते हो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हैं तो ए सी सी बैटरी इसके ऊपर निकाले हैं अब ए सी सी बैटरी जो है एक न्यू जनरेशन एडवांस स्टोरेज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दो तरीके से स्टोर कर सकता है या तो एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी और एज अ केमिकल एनर्जी

जहाँ पे हमें सोलर से सोलर एनर्जी जो है वो कैप्चर करनी पड़ रहती है सो दैट नाइट के टाइम जो है हम बैट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकें तो ये सब चीज़ें ए के थ्रू काफ़ी इजीली पॉसिबल हो पाएंगी सो दैट इज़ ऑल अबाउट दीज बैटरीज आगे चलते हैं सो so अभी बी आई एस विच इज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इन्होंने फॉर्मुलेट किया है एक स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज सो एज यू नो इंडिया में जितने भी कंज्यूमर आइटम्स बिकते हैं उनका कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होता है फ्रॉम अ टी वी टू अ फ्रिज आप देखोगे उसके ऊपर आई एस करके दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड करके कुछ लिखा होता है तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंडियन स्टैंडर्ड डेवलप किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के लिए तो ये नंबर है वन सेवन एट फाइव एट फाइव फाइव एंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अंदर ये स्टैंडर्ड आया था तो वो उसके आगे लिखा हुआ है ठीक है तो ये जो बैटरीज है उस स्टैंडर्ड को कवर करता है ठीक तो थोड़ा सा ध्यान में रखना अगर ये नंबर डायरेक्टली आ जाता है कई बार यूपीएससी ये भी डाल देता है कि नंबर ये ये जो टर्म है किस चीज़ से एसोसिएटेड तो दिस इज़ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस अब एक एडिशनल क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा कि ये जो बी हम लोगों ने पढ़ा है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है एनी बडी कंज्यूमर अफेयर्स हाँ कंज्यूमर अफेयर्स है यप करेक्ट कंज्यूमर अफेयर्स है तो याद रखना कंफ्यूज मत होना कई बार ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स भी आ जाती हैं ठीक है थीके? आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आगे जाने से पहले थोड़ी सी ई के बारे में और भी स्कीम है जो पता होनी चाहिए सो तो अभी हम लोगों ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का बात किया तो वो दिया जा रहा है ए बैटरीज के ऊपर इसके अलावा ये जो पी स्कीम है ये ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेट्स पे भी दी जा रही है जिसके अंदर ई वी व्हीकल्स को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है फिर एक फेम स्कीम है फेम इज फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल तो ये इसका सेकेंड फेज जो है स्कीम का चल रहा है और ये चला कौन रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है वो इस स्कीम को रन कर रही है सो दीज आर थ्री इम्पोर्टेंट स्कीम्स रिलेटेड टू द ई वी मैन्युफैक्चरिंग ठीक है आगे चलते हैं फ्लेक्स फ्यूल सो so, अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज़ लॉन्च अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट ऑन फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाईब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल शॉर्ट फॉर्म इसका एफ एफ वी एस एच ई वी ठीक है ये इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो अब बात करते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स है क्या सो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल आर लाइक इन इंटरनल कम्बशन इंजन मतलब इंटरनल कम्बशन इंजन वाले व्हीकल हैं लेकिन यहाँ पर रेगुलर पेट्रोल की जगह ये, ये यूज़ करें ब्लेंडेड फ्यूल तो ब्लेंडेड फ्यूल में क्या है यानी यहाँ पे हम पेट्रोल प्लस इथेनॉल का या मिथेनॉल का एक मिक्सचर देखेंगे अब अभी तक जो नेशनल बायो फ्यूल पॉलिसी है उसमें तो आपको पता ही है कि 2025 तक हमें 20 परसेंट पेट्रोल के अंदर ब्लेंडिंग करनी है इथेनॉल की लेकिन फ्लेक्स फ्यूल एक ऐसा व्हीकल होने वाला है फ्लेक्स फ्यूल या फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल एक ऐसा व्हीकल होने वाला है जहाँ पर ये जो कम्पोजिशन है इस मिक्सचर की ये वेरी कर जाएगी यानी ये ट्वेंटी परसेंट से लेके एट्टी फाइव परसेंट तक हो सकता है यानी के हम पेट्रोल के अंदर एट्टी फाइव परसेंट इथेनोल मिला दें ठीक है और बाकी जो बच गया फिफ्टीन परसेंट वो पेट्रोल रहे तो ऐसा भी अगर मिक्सचर डालें इस इंजन के अंदर तो वो चल जाएगा वैसे अगर देखा जाए तो ये इंजन नॉर्मली भी चल जाता बट इशू क्या होता है जब भी ये हम ब्लेंडेड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो ये इंजन को बहुत तेजी से करोड करता है राइट सो so, धीरे धीरे या अगर हम बहुत ही हाई स्केल के अंदर ये ब्लेंडेड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी इंजन ख़राब हो जाता है तो so, ऐसे में हमें रोबस्ट इंजन बनाना पड़ेगा जो कि ऐसे फ्यूल कॉन्फ़िगरेशन के भी साथ काम कर सके तो इसीलिए हम लोग फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बना रहे हैं यानी ऐसा इंटरनल कम्बशन जो किसी भी ब्लेंडेड फ्यूल की जो भी वेरिएशन है या जो भी मिक्सचर है उसके साथ काम कर सकता है ईजिली विदाउट एनी इशू नेक्स्ट इसमें एक और अपग्रेड है दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी हम फ्लेक्स फ्यूल इंजन भी लगा रहे हैं और साथ ही साथ उसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो भी ऐड कर दे रहे हैं तो so करंटली हमारे पास ऐसे इंजन इंटरनल जो नॉर्मल गाड़ियाँ उसमें भी आता है ठीक है कि आपके पास एक इंटरनल कंबशन इंजन है और साथ ही साथ आपके पास एक इलेक्ट्रिक uh, व्हीकल वाली भी फैसिलिटी है कि जैसे जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है और उस बैटरी के थ्रू हम फिर गाड़ी को रन कर सकते हैं तो वो भी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है ऑल्डो फ्लेक्स फ्यूल के साथ नहीं थी तो अब हम फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं यानी ऐसा इंजन जो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी तो देगा ही साथ ही साथ ईवी मोड पे भी चलेगा जब हम इंजन शट डाउन कर देंगे सो दिस गिव्स अस मोर एफिशिएंसी लेसर पोल्यूशन एंड ओवरऑल वेरी इकोनॉमिकल ठीक है कि जेब पे भी कम खर्चा होगा उससे सो so सिग्निफिकेंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए पॉल्यूशन को चेक करेगा चेक करेगा डाइवर्जन ऑफ शुगर यूज इन इथेनॉल ब्लेंडिंग बर्न करेगा विद वॉट एवर ऑफ मिक्सचर इज यूज इन द कम्बन चेबल एंड रिड्यूस इम्पोर्ट बिल यानी जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था जो कि पेट्रोल के इम्पोर्ट से बढ़ जाता है वो कम हो जाएगा चैलेंजेस इसमें है लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इथेनॉल का सप्लाई का इशू है बिकॉज इथेनॉल अगर हम लोग डाइवर्ट कर देते हैं यानी हम शुगर केन को डाइवर्ट कर दे रहे हैं फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन तो उससे हो सकता है शुगर के जो रेट है वो एक्जॉर्बेंटली बढ़ जाए नेक्स्ट लेस माइलेज है तो ये थोड़े से इश्यूज़ थे जो हमें पता होने चाहिए इसके साथ अब बहुत सारे फ्यूल्स का कंपेरिजन किया गया है तो यहाँ पे कुछ एक फ्यूल्स आप देख लीजिएगा जो थोड़े से न्यूज़ में ज़्यादा हैं जैसे इथेनॉल एज अ फ्यूल तो इथेनॉल इज़ अ रिन्यूएबल एंड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल तो एडवांटेज तो आप समझिए गए कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम करेगा फिर हायर ऑक्टीजन नंबर होता है देन गैसुलिन विच प्रोवाइड्स इंक्रीज पावर एंड परफॉर्मेंस तो जितना ज़्यादा ऑक्टीजन नंबर उतनी बेटर परफॉर्मेंस नेक्स्ट इथेनॉल प्रोडक्शन से रूरल एरियाज के अंदर जॉब क्रिएशन हो जाएगा क्योंकि खेतों से जो शुगर कैन थे वो डायरेक्टली लोक रूरल एरियाज के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन नेक्स्ट चैलेंजेस की बात करें तो अवेलेबिलिटी थोड़ी सी इशू है क्योंकि जहाँ जहाँ शुगर केन या ऐसे कुछ सोर्सेज है जिसके थ्रू इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है वो अभी कम है थोड़े से नेक्स्ट इथेनॉल जो है वो डाइव डैमेज कर सकता है इंजन को बिकॉज ऑफ द करूज प्रॉपर्टीज़ तो इंजन को करूड कर सकता है वो एक इशू है नेक्स्ट इथेनॉल इज नॉट एज इकोनॉमिकल एज गैसोलिन बिकॉज ये उतने लेवल की एफिशिएंसी नहीं देता है सो दीज आर द सम सिग्नीफिकस एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इथेनॉल नेक्स्ट फ्लेक्सफीवल में हम लोगों ने देख लिया ये एक कॉम्बिनेशन है ठीक है मिक्सचर है बिटवीन पेट्रोल या गैसोलिन और जो इथेनोल है उस इथेनॉल या मिथेनोल के बीच में ठीक है यहाँ पे एनवामेंट थोड़ा सा फ्रेंडली इस सेंस में नहीं है कि यहाँ पे इससे जो रिलीज होने वाले गैसेज हैं वो ग्लोबल वार्मिंग गैसेज हैं तो इथेनॉल जैसे ही बर्न होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो उस सेंस में थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देगा अदरवाइज पॉल्यूटिंग तो नहीं है बट ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है इसलिए थोड़ा सा लेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली है नेक्स्ट हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सो हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा आगे ही पढ़ेंगे अभी यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं ठीक है थोड़ा वहाँ पे डिटेल में ही आएगा नेक्स्ट बायोडीजल वही सेम है सेम एज बायोफ्यूल जो हम लोग पढ़ रहे थे इतने दिन ठीक है so, सो आगे चलते हैं तो so, नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल सेल सो इंडिया ने अभी एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस बनाई थी जो कि सी एस आई आर और एक प्राइवेट कंपनी है के पी आई टी टेक्नोलॉजीज इन लोगों ने मिलकर चलाई थी ठीक है तो so, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक डिटेल देख लेते हैं सी एस आर के बारे में सी एस आई आर के बारे में सो एज यू नो दिस इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक नाइनटीन फोर्टी टू में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और जितनी भी कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है साइंस एंड टेक के एरिया में वो सी एस आई आर के सी एस आई के अंदर अंडर होती है इसका हेडक्वाटर दिल्ली के अंदर है और इसको चेयर कौन करते हैं तो द प्रेसिडेंट इज द या द प्रेसिडेंट ऑफ सी एस आई आर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक है तो प्रेसिडेंट नाम से कन्फ्यूज मतलब ना चेयरमैन ऐसा बोल सकते हो आप इनको ठीक है सो प्राइम मिनिस्टर इसके करता धरता है आगे चलते हैं तो ये फ्यूल सेल है क्या सो फ्यूल सेल इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सॉरी सो फ्यूल सेल बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो यहाँ पे केमिकल कौन सा है तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को और उनके रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो याद रखना जब भी हम हाइड्रो फ्यू हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करें वे टॉकिंग अबाउट अ बैटरी जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है अब ये जो फ्यूल सेल है इसके एडवांटेज क्या है इसको पीरियॉडिकली रिचार्ज करने की जरूरत नहीं बनती इसमें बस आप हाइड्रोजन सप्लाई करती रहिए और ऑक्सीजन सप्लाई करते रहिए आपको लगातार इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी ठीक है अनलाइक बैटरी जहाँ जहाँ पे उसको बार बार चार्ज करना पड़ता था आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल में किसी चीज को चार्ज करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट ट्रांस एप्लीकेशन की बात करें तो ये सब जगह यूज हो सकता है फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन टू पोर्टेबल एप्लीकेशन या स्टेशनरी एप्लीकेशन जैसे किसी इंडस्ट्री में आपको चाहिए तो सब जगह यूज़ हो सकता है ये बेनिफिट्स इसके क्या हैं लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट है हाई एनर्जी डेंसिटी है पॉल्यूशन फ्री है नॉइज़ फ्री है, है तो ये सारे इसके बहुत ही सुपीरियर एडवांटेजेस हैं चैलेंजेस थोड़ा ये है कि हाइड्रोजन गैस जो है उसकी स्टोरेज में इशू है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल गैस है और कलरलेस गैस है तो अगर इसका लीकेज भी हो रहा है तो हमें पता नहीं लगेगा तो थोड़े से ये इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है नेक्स्ट यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे वर्क करता है सो so यहाँ पे एनोड है उसके ऊपर हम लोगों ने हाइड्रोजन को एंटर कराया और कैथोड पे हम लोगों ने ऑक्सीजन को एंटर कराया और इन दोनों का मेमब्रेन के आसपास आके इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से और इस रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वही करंट कहलाता है सो दैट्स हाउ हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्क्स अब गवर्नमेंट ने क्या क्या और स्टेप्स लिए हैं तो पहला गवर्नमेंट ने जैसे अभी हम लोगों ने बात किया इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो आ, काम है वो ही चल ही रहा है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंडर फिर हम लोगों ने भारत स्टेज नॉर्म्स ले गए थे सो so इंडिया ने डायरेक्टली शिफ्ट किया था फ्रॉम भारत स्टेज फोर टू तो भारत स्टेज सिक्स नॉर्म्स ठीक है जिसके अंदर लेस पॉल्यूशन क्रिएटिंग इंजनस हम लोगों ने डेवलप किए इसके अलावा गवर्नमेंट जो है फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे रही है ठीक है सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस अब इससे ही एक रिलेटेड न्यूज़ है क्योंकि हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करें एक सिमिलर ही हाइड्रोजन से रिलेटेड एक और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल हो रहा है और इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन इंटरनल कम्बेशन इंजन आई सो डिफरेंस क्या है इन दोनों में जो अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल पढ़ा और ये जो हाइड्रोजन इंटरनल कम्बसन इंजन हम पढ़ रहे हैं सो so, पहला जो था हाइड्रोजन फ्यूल सेल वो बेसिकली एक बैटरी थी उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है लेकिन हाइड्रोजन इंटरनल कम्बेशन इंजन में हम पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन को सप्लाई कर रहे हैं और उससे कम्बशन हो रहा है उससे कम्बशन होकर हम लोग एक इंजन को रन कर रहे हैं मैकेनिकली ठीक है सो so, ये एक मैकेनिकल डिवाइस है तो so, ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है और अभी रॉल्सन नॉइस एक जो बहुत ही बड़ी लग्जरी कार ब्रांड है उसने एक जेट इंजन बनाया जो कि रन करता है हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर ठीक है तो so, याद रखना हाइड्रोजन यहाँ पे गैस के फॉर्म में इस्तेमाल हो रही है सो दिस वाज अबाउट द हाइड्रोजन फ्यूल सेल आगे चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज देख लेते हैं सो so, पहला है रोशनी सो so, रोशनी नाम से पता लगता है कुछ लाइट से रिलेटेड है तो so, ये इंडिया का पहला सेलाइन वाटर लैंटर्न है यानी खारे पानी के अंदर ये लैंटर्न जो है वर्क करेगा और यहाँ पे जो सी वाटर है वो एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट ठीक है तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट एक सोल्यूशन होता है जो बैटरीज के अंदर या किसी सर्किट के अंदर कनेक्शन को बिल्ड करेगा सो so, यहाँ पे इस सलाइन वाटर लैंटन की मदद से हम लोग जो इसके अंदर एल ई लैम्प है उसको जलाएंगे और उससे रोशनी होगी और डेवलप किसने किया है ये इंडियन ओशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने इसको डेवलप किया चेन्नई के अंदर जो सिचुएटेड है सो मेन एम यही है जो फिशरमैन जो पानी के अंदर जाते हैं रात को उनके लिए ये लैंडन जो है ये काम आ सकते हैं ठीक है सो दिस इज़ रोशनी नेक्स्ट है मिशन इनोवेशन सो मिशन इनोवेशन जो है लॉन्च इन अभी लॉन्च किया है इन लोगों ने एक इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन जिसका एम ये है कि हम क्लीन एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करें और ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू होने वाला है ठीक है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व है अब ये जो मिशन इनोवेशन है ये आपने कई बार पढ़ ही रखा होगा ये जो पेरिस डील हुई थी उस दौरान इसको लॉन्च किया गया था और इसके अंदर बेसिकली हम एक ग्लोबल इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसके थ्रू हम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उससे ऑन द फील्ड ऑफ क्लीन एनर्जी ठीक है साथ ही साथ अफोर्डेबल एंड अट्रैक्टिव एनर्जी प्रोवाइड करा सके, तो उससे रिगार्डिंग जितनी भी रिसर्च है उसको फास्टन अप करना है और वर्ल्ड को एक सेफर एनर्जी ऑप्शन की तरफ लेके जाना है ठीक है नेक्स्ट इसके अंदर ट्वेंटी टू कंट्रीज हैं अलॉन्ग विद ई यू इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेम्बर था और अभी इसका जो सेकेंड फेज़ है जो फर्स्ट सेकेंड फेज़ है ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन से चालू हो चुका है जो फर्स्ट फेज़ था वो तो पैसे डील के साथ जब ये फाउंड हुआ था तभी चालू हो चुका था सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट मिशन इनोवेशन अब ये जो इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन है इसमें हम क्या कर रहे हैं तो इसमें हम रिप्लेस कर रहे हैं टेन परसेंट ऑफ फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स केमिकल्स मटीरियल विद बायो बेस्ड ऑल्टरनेटिव बाई ट्वेंटी थर्टी तो याद रखना टेन परसेंट का टारगेट है कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड फ्यूल्स और केमिकल्स को रिड्यूस करना है इसके अलावा और भी मिशन इन लोगों ने रन किए हैं तो मिशन एक बार रीड कर लेना दैट इज़ क्लीन हाइड्रोजन ग्रीन पावर्ड फ्यूचर जीरो एमिशन शिपिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल एंड अर्बन ट्रांजिशन सो दीज आर दाइव अदर फाइव मिशन दैट इज दिस मिशन इनोवेशन इज ऑलरेडी रनिंग नेक्स्ट नीति आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं जो कॉप ट्वेंटी सिक्स के दौरान आपने ज़रूर पढ़े ही होंगे पहला है ई e अमृत तो ई e अमृत जो है ये बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करेगा अबाउट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और उसके रिगार्डिंग जो भी मिथ्स हैं उनको बस्ट करेगा तो अमृत का फुल फॉर्म यहाँ पे है एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट एक रिपोर्ट और प्रेजेंट करी थी ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी जो अभी हम लोगों ने देख ली थी ठीक है सो विदाउट वी आर डन विद द डेज पार्ट ठीक है किसी को कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है